अस्सलाम वालेकुम, लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप लव बर्ड्स को गर्मियों में समर में क्या सीड मिक्स डाइट डालें। तो ये मैं कुछ सीड मिक्स लेके आया हूँ, अभी कल ही लाया हूँ। तो गर्मियों के मुताबिक मैंने इसको बनवाया है, इस डाइट को। गर्मियों में जो चीज़ें सीड्स में गर्म होती हैं वो कम डालती हैं, और जो चीज़ें ठंडी होती हैं वो थोड़ी सी उनकी मिकदार जो है वो बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स का की मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने बनवाई है, तकरीबन 7 किलो, 7.5 किलो है लव बर्ड्स की। तो इसमें जो आइटम्स हैं वो मैंने किस तादाद में डलवाए हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर बनवानी हो 5 किलो या 10 किलो, या मिसाल कर लेंगे 7 किलो भी आपने बनवानी हो, तो आपने हर आइटम उसमें कितना कितना डलवाना है। तो सबसे पहले इसमें बाजरा है वो 1 किलो है, और उसके बाद हमारी कंगनी है, मोटी कंगनी, वो 2 किलो है, जिसको हम चीना भी बोलते हैं। तो ये मैंने ज़्यादा रखवाई है, बाजरे से डबल मिकदार में रखवाई है, क्योंकि बाजरा जो है आमतौर पे परिंदे इतना पसंद नहीं करते। ये खुशक होता है और सख्त होता है, हार्ड होता है, ये डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल होता है परिंदों के लिए। तो ये मैंने कम रखवाया है। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब बर्ड्स खाते हैं दाना तो बाजरा जो है सबसे एंड में खाते हैं, तो इतना ये पसंद नहीं करते लव बर्ड्स वगैरह। तो 1 किलो मैंने उसमें वो रखवाया है, और 2 किलो मोटी कंगनी, टोटल 3 किलो हो गई, और 1 किलो उसमें बारीक कंगनी है, टोटल हमारा 4 किलो हो गया। और उसके बाद इसमें 1 किलो झोना है, झोना बोलते हैं चावल को, जो कि छिलके समेत होता है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसमें झोना कौन सा है। ये देखें, ये झोना है, ये इसका बीज है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। इसको मैं निकालूँगा तो इसमें से चावल निकलेगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चावल वैसे तो हम छिलके के बगैर जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उससे छिलका नहीं होता, इसमें छिलका होता है, और ये छिलका निकाल के बचीज खाते हैं। ये देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ चावल अंदर से। तो ये 1 किलो है, ये ठंडा होता है, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो ये ज़रूर डालना चाहिए। लव बर्ड बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1 पाव सूरजमुखी है, सनफ्लावर सीड है। सनफ्लावर सीड कुछ गर्म होता है, ये गर्मियों में थोड़ा डलवाया है मैंने, 1 पाव सिर्फ डलवाया है। और उसके साथ कुर्तम है, कुर्तम ये वाइट वाली कुर्तम है, ये आप देख रहे हैं वाइट बीज है, इसको कुर्तम बोलते हैं। ये भी गर्म होता है, तो ये भी कम डलवाया है, 1 पाव डलवाया है। उसके बाद इसमें भांग के बीज हैं, वो 0.5 किलो हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ भांग के बीज कौन से हैं। ये भांग का बीज है, तो ये आधा, ये भी ठंडा होता है, ये भी ज़्यादा डलवाया है, 0.5 किलो डलवाया है। उसके अलावा 1 पाव इसके अंदर कनेरी सीड है, कनेरी सीड जो होता है गर्म होता है, तो वो थोड़ा डलवाया है। और इसके अलावा इसमें 0.5 किलो जो है वो जौ है, जौ ये होती है, ये जौ है, ये ठंडी होती है, ये मैंने डलवाई है 0.5 किलो। और इसके अलावा इसके अंदर 0.5 किलो जो है वो जवी है, या कुछ लोग जई बोलते हैं या कुछ लोग जवी बोलते हैं,
आप अपने इलाके में जो आपका दाने की दुकान वाला है उससे आप पूछ लें वो क्या बोलता है। तो ये आधा किलो इसमें ही है, तो टोटल ये तकरीबन बनता है 7 किलो, 7.25 किलो बनता है। तो इसके अंदर जो है ज़्यादा तादाद जो है कंगनी की है, कंगनी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो मोटी कंगनी है जिसे चीना भी बोलते हैं, वो जो है वो 2 किलो है इसके अंदर। वो ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, और उसके अंदर चिकनाई होती है, खुशक नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन वगैरह होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए, परिंदों के लिए। तो ये मैंने ज़्यादा रखवाए आइटम्स। इसके अलावा जो गर्म चीज़ें थीं वो मैंने थोड़ी सी कम रखवाई हैं, और जो चीज़ें ठंडी होती हैं गर्मियों के लिए उनकी जो है तादाद सिर्फ बढ़ा दी है। अब अगर जब सर्दियाँ आएंगी तो इसमें सूरजमुखी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुर्तम की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो चीज़ें गर्म हैं वो बढ़ जाएंगी, बाकी चीज़ें तकरीबन जो हैं वो सेम ही रहती हैं सीज़न के हिसाब से। तो दाना आप ये कोशिश किया करें कि जब डालें रोज़ चेक करें, और उसके छिलके वगैरह, कुछ लोगों को नहीं पता होता जो नए हैं, छिलके वगैरह वो समझते हैं दाना फुल है, हालांकि वो छिलके होते हैं उसके। तो कंगनी के छिलके बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो क्योंकि ये बीज खाते हैं अंदर से निकाल के उसके अंदर से। तो आप कोशिश किया करें रोज़ का एक दफ़ा ज़रूर दाना चेक करें, और उसके जो छिलके हैं वो हटा दें। तो जब मैंने शुरू में रखे थे तो मुझे इस बात का नहीं था पता, तो मैं ये समझता रहा कि दाना फुल है, तो वो असल में छिलके थे। तो शुक्र है मेरे बर्ड्स बच गए थे, मुझे पता चल गया इस बात का। तो इसको डेली बेसिस पे आप क्लीन करें, इसके जो छिलके हैं वो अलहदा करें, तो नया जो सीड मिक्स है वो इसके अंदर ऐड करें। इसके अलावा बर्तन वगैरह साफ़ होने चाहिए, कोशिश करें डेली आप इसका बर्तन साफ़ करें, डेली नहीं तो वीक में 2 दफ़ा तो करना चाहिए। इसके अलावा जो पानी वगैरह है इसमें जो आप डालते हैं बर्तनों में, उसको आप जो है उसका डेली तकरीबन चेंज करें, उसके पानी के बर्तन जो हैं, और उसको धोएं, क्योंकि नीचे जो होता है वो काई जम जाती है। आप कभी देखें पानी को बर्तन उल्टा के देखें तो उसकी बेस के ऊपर चिकनाहट सी होती है पानी के बर्तन में, तो उसको साफ़ करें। और इसके अलावा सॉफ्ट फूड मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, के गर्मियों में जो लव बर्ड्स हैं उनको सॉफ्ट फूड में क्या कुछ हम दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। इसके अलावा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।